अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। आज हम आ गए हैं पेशावर से बन मंडी। आज हफ्ते का दिन है तो आज लग गई है एक महीना पहले। अभी हम इनका विजिट करने के लिए, अभी रेट लेने के लिए देखते हैं, अगर कोई सस्ता मिल गया तो अगले हफ्ते बड़ी से कुछ दिनों पहले अगले हफ्ते तक हम आके देख लेंगे। ये देखें बकरी के बच्चे, इस वाली बकरी के छोटे छोटे बच्चे करे सारे मंडी का विजिट करने के लिए। सगाई ये और भी हमें 10-12 छोटे छोटे बच्चे मिले, बड़े क्यूट क्यूट हैं, एक एक महीने वाले बच्चे सारे छोटे छोटे। इनकी बकरी इन्होंने अलग बांधी, वो बच्चे इन्होंने अलग बांधे क्योंकि बड़े हैं। वो देखो कितना शैतान बच्चे हैं, और ये वो प्यारा बच्चा। गाइस अभी आ चुके हैं मेन दुम्बे जो हम देखने के लिए आए थे। बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दुम्बे हैं, जरा छोटा माल है। और ये सामने भी खड़े हैं बड़े बड़े, और ये भी है, वो उधर तक दुम्बे हैं। और शुरू शुरू में बकरे आए थे बड़े मस्त मस्त थे, उसके हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मार रहे थे बड़ा। हम उससे बड़ा बज बज के आए हैं, उधर सामने ही बकरे, इधर दुम्बे सारे पारी बैठे हुए हैं, और मेरे पीछे दुम्बे, उधर भी दुम्बे सारे। गाइस अभी हमें एक बड़ी वाली जोड़ी के पास हैं। गाइस ये मेरे सामने खड़े हैं, वो उनको खाना खिला रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े दुम्बे माशाल्लाह। एक 160,000 रुपये बड़े बड़े दुम्बे। इधर एक दुम्बा और खड़ा हुआ है, पूछते हैं सेब वाला कितने का है। और ये पीछे सिखाने का बच्चा आ रहा है छोटा सा। यहाँ से हम निकलते हैं, एक सामने खड़ा हुआ है बड़ा दुम्बा, और ये खड़ा हुआ है माशाल्लाह बड़ा प्यारा दुम्बा है। अभी हमारे और दुम्बों के पास आए हैं, इसमें एक बकरी भी है। ये दुम्बे जोड़ी जा रही है यहाँ से, छोटे छोटे दुम्बे, और ये थोड़े नॉर्मल साइज़ के, मीडियम साइज़ को फुल साइज़ का बकरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। वाइट वाइट दुम्बे हमें और मिले हैं, इधर ज़्यादातर वाइट वाइट दुम्बे हैं। दो दुम्बे देखते हैं ये जोड़ा कितने का देते हैं, अगर नसीब हुआ तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसे लेने के लिए आए, हम रेट करने के लिए आए हैं। इसके पीछे एक और दुम्बा है, ये वाला सामने भी बड़ा साइज का दुम्बा खड़ा हुआ है, उसका भी रेट पूछते हैं। बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, इन्हें पालने के लिए, शौक करने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बहुत बड़े साइज का दुम्बा ये मिले, ये 1.5 लाख रुपए का दुम्बा है, ये 1.5 लाख का दुम्बा है और 4 दांत का है, काफी बड़ा है। व्हाइट कलर और ब्राउन कलर का बड़ा दुम्बा मिला है, 1,20,000 रुपये, काफ़ी बड़ा है, 2 दांत का है, कदने भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये ब्राउन कलर के हैं और 1,20,000 रुपये। ये दो दुम्बे इनकी पूछते हैं जोड़ा के, 1,10,000 रुपये एक सोना, और वो दूसरा वाले 1,00,000। खीरा है, खीरा आप देख रहे हैं, वाइट वाइट दुम्बे बड़े खूबसूरत। उसने रेट भी थोड़े सही बताए क्योंकि मंडी के साथ इतने कम बताए हैं इनके रेट, काफ़ी महंगे हैं सारे। हमारा भी पहला ब्लॉग है मंडी का, और इस रोक थोड़े नॉर्मल साइज के खड़े हुए, वहाँ पर बकरे सारे जो खड़े हुए 60,000 रुपये पर दाना है इनका, एक दाना 60,000 रुपये खड़ा हुआ, भरा हुआ माशाल्लाह, प्यारा है ये भी। शरीर भी है वो बकरी के बच्चे लेके जा रहे हैं, वो बकरी उसके पीछे पीछे छोटे बच्चे सारे बकरी के।
देखते छोटे बच्चे तीन चार दिन की ब्लैक और बकरी के साथ चल रहे हैं। ये देखें गुलाबी नस्ल का, काफी खूबसूरत है और मीडियम साइज में उसके साथ भरा हुआ दुम्बा है माशा वाला भी 160,000 रुपए का। ये मेरे ख्याल से 70,000 रुपए इन सब के कह रहे हैं। एक दाना इन सब में 70,000 रुपए के सारे के कह रहे हैं। मंडी में मिल गया है मोर। हमें मंडी में ये वाला दुम्बा सबसे बड़ा मिला है, ये सबसे बड़ा वाला 1,40,000। ब्लॉगर आए हैं, आप देख रहे हैं ये भी ब्लॉगर आ गए गाइस। ये देखें हमारे अलावा इधर एक और ब्लॉगर भी आया हुआ है सेपन मंडी विजिट करने के लिए। ये भी रेट लगा रहे हैं। बिग साइज का दुम्बा है, अभी मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। ये दो दांत के काफी बड़ा दुम्बा है, इनका सौदा बन रहा है अभी। उधर एक और खड़ा हुआ है आपको पीछे से, ये देखिए काफी बड़ा दुम्बा है, ये भी खड़ा हुआ है फुल साइज। दुम्बों का रेट तो काफी हाई है छोटे वाले जानवरों को, बकरे और दुम्बों का। अभी हम जाते हैं गाय की तरफ, उनके थोड़े से रेट लेते हैं फिर आप घर जाएंगे। काफी बड़ा दुम्बा इसका, अभी हम इसका रेट करते हैं। चार दांत का अभी 1,50,000 रुपए का। सारी गाय हैं, अभी हम बस घर जाते हैं क्योंकि काफी गर्मी है, रेट करने का दिल नहीं चाह रहा। सारी घर की पली हुई गायें बैल मैल नहीं है, गाय इधर तो बैल ही नहीं है, सारी गायें। अभी हमें ये वाले बैल मिले 2.5-2.5 लाख रुपए के इस सारे, और ये 1,70,000 रुपए का, ये 40 खड़ा है। इसका भी हमने रेट भी पूछा। सारे हमारे आगे अब कपड़ों वाली मंडी आ रही, सारे इधर तरपाल आ गए, इधर कपड़े शपड़े मिलते हैं तरपाल लेके जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आगे जाके खरगोश भी है और मुर्गिया शुर्गिया भी है और खाने पीने का भी इंतजाम है। इधर कबूतर भी मिलते हैं आगे, तो सामने देखिए सीखे सीखे बन रही हैं और आगे पूरा बाजार है, पांचे बन रहे हैं उधर, इधर शीशे बन रही हैं, इधर शरबत मिलता है और इधर इधर भी कुछ बन रहा है काला बर्तन वर्तन चम्मच भी हैं और तरपाल ये लोग कर रहे हैं। बर्तन और चम्मच है सारे और ये पिंजरा सारा बिक गया। कब से देखिए ऑस्ट्रेलियन तोते हमारे प्यारे प्यारे तोते हैं। लोग अभी भी आ रहे हैं, काफी ज्यादा खरीदारी हो रही है, मजा आ रहा है। इधर पार्किंग भी मौजूद है पीछे बाइकों की, इधर रक्षो मक्सो की पार्किंग, गाड़ियों में गाड़ी वालों ने भी चीजें खरीदे, फार्मी नहीं है देसी है मेरे ख्याल से। शरदानियाँ भी हैं यहाँ पर, ये देखे लैपटॉप डीवीडी भी हैं इधर सारे भी हैं। सो गए यहाँ पर सारे वो वाले माल ज़्यादातर जो कुर्बानी के लिए नहीं होते, जो गांव में पलते हैं ना बड़े बड़े वो हैं, वो कुर्बानी के लिए नहीं, सारी गाय इधर मिलती हैं ज़्यादातर इस सेपन मंडी में। हफ्ते वाले दिन लगती है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक लगती है सारी मंडी है। और इधर भी एक दुम्बा खड़ा हुआ है छोटा सा मीडियम साइज़ में, सारी
इधर भी पड़े हैं। कितना छोटा सा बच्चे है तो बकरी का, वो अभी भी जा रही हमारे सामने से बकरी। अब घोड़ा खड़ा किया है इन लोगों ने, पूरी मंडी है, छोटे छोटे भी हैं, गायें भी सामने खड़ी हुई है, एक छोटी सी बैल, ये वाली बैल 1,20,000 रुपये। सारी मंडी आगे गाइस, अभी हमने रेट तो पता कर लिए, वैसे मंडी के हिसाब से भी रेट मुनासिब है, क्योंकि वो कह रहे कमी पेशी मुनासिब में हो जाएगी। तो ये तो छोटे से बड़े जानवर थे सारे, इस टाइम तो मुनासिब है और रात को महंगी हो सकेंगी है। तो अगर ये अच्छी लगेगी तो नीचे कमेंट कर देना, और हमें अगर आप किसी और मंडी का विज़िट हमें करवाना है तो फिर वो भी कमेंट कर देना। तो गाइस ब्लॉग यहीं पर ख़त्म, बाय बाय।